माय डियर व्यूअर, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें यही टॉपिक मिस था, इसको भी आज मैं ऐड कर दूंगा। तो लगभग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको जाके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत इजी वे में क्लासरूम स्टडी, जैसे क्लास में आप पढ़ते हो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे वीडियो में देखोगे, पढ़ोगे, तो आप लोग तैयार हो जाओ। पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन। आप सेंट्रल डोगमा में पढ़े थे कि पहला जो स्टेप होता है, डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिएगा जल्दी से। कॉपिंग ऑफ डीएनए जो होता है वो क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन के बाद जो डीएनए बनता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है आरएनए में। द मैकेनिज्म बाय विच आरएनए आर फॉर्म फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से आरएनए का जो बनना होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब लाइक द रिप्लिकेशन आपने पढ़ा था, उसमें जो आपका दोनों डीएनए और डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है उससे आपका क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, दो स्ट्रैंड बनते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिमार्केबल डिफरेंस पाया जाता है, तो यहीं से क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाई ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट नॉट बोथ। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी ट्रांसक्राइब्ड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए नॉट द बोथ, दोनों नहीं होता। उसका क्या होता है, दो रीजन होता है। पहला जो रीजन होता है कि आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है ये आपका 3:5 हो गया, ये 5:3 हो गया, ये जो दोनों होते हैं, जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपकी कैसे होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, नॉट द आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं, एकदम सेम नहीं होता। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी होगा। तो इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस देखें तो टी सी जी ए जी सी दो स्ट्रैंड है, लेकिन दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, नॉट द आइडेंटिकल। अब ऐसी कंडीशन में अगर इन दोनों का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आप जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसक्राइब यूनिट बनती है एमआरएनए, इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है। तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को या जो मॉलिकुलर जेनेटिक इंजीनियरिंग में या जो जीन्स का फंक्शन होता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में जो प्रोसेस होती है उसके लिए क्या होता है, एक प्रोसेस एक प्रोटीन रेगुलेट करती है। इफ द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन बी ट्रांसक्राइब्ड देन इफ ट्रांसलेशन आर टेक प्लेस देन फॉर द दिस कोडिंग सीक्वेंस टू डिफरेंट प्रोटीन आर सिंथेसाइज। रीजन है क्योंकि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल नहीं है बल्कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। और जब एक ही प्रोसेस के लिए दो प्रोटीन बन जाएंगे तो वैसी कंडीशन में जो प्रोसेस होगी, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या होता है, केवल एक स्ट्रैंड का आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, पहला हो गया। दूसरा जो पॉइंट आता है कि अगर दोनों स्ट्रैंड का होगा तो वैसी कंडीशन में ये भी एमआरएनए बनेगा और ये भी एमआरएनए बनेगा। तो जब दो आरएनए बनेंगे और ये जो दोनों आरएनए कैसे होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे बल्कि कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो अल्टीमेटली ये दोनों मिलकर के इन जनरल एक स्ट्रैंड से क्योंकि प्रोटीन बनती है, दो स्ट्रैंड बनेंगे तो ये आपका बन जाएगा डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन होगा। और जब डबल स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन होगा देन देयर इज नो प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू दीज टू रीजन। यही दो कारण है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो होता है डीएनए के केवल एक स्ट्रैंड का होता है, दोनों का नहीं होता है। हो गया। अब उसके बाद होता है जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, इट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट कंपोनेंट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, तीन से मिलकर के ये बनी होती है। पहला जो होता है
इसमें एक चीज ये हो गया, दूसरा क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम भी है, बताना भी जरूरी, बता देते हैं, वैसे मालूम होगा कि जो आपका रिप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5:3 डायरेक्शन में होता है, 5:3 डायरेक्शन में। तो जैसे रिप्लिकेशन होता है उसी तरह से आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो पहली चीज, पहला जो हमको पता करना है कि इन दोनों में किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो, उसके बाद फिर ये तीनों यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन 5:3 होता है, तो अल्टीमेटली डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी क्या होगा, 3:5 होगी। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसमें पोलैरिटी 3:5 किसकी है, इस वाले की है। तो अल्टीमेटली ये आपका क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, जिसका ट्रांसलेशन होगा, जिसकी पोलैरिटी 5:3 होगा इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ये हट जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन ये कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है यही डिसाइड करता है कि प्रोमोटर किधर है और टर्मिनेटर किधर है। अब इन जनरल क्या होता है, प्रोमोटर क्या होते हैं, ये वो साइट होते हैं वेयर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। अब प्रोमोटर होते कहाँ पे हैं, इन रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग का जो अपहिल होता है, अपहिल का मतलब 5 प्राइम पोजीशन वाला जो कोडिंग स्ट्रैंड क्या इंड होता है उस तरफ क्या होंगे, प्रमोटर होंगे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड ये है तो प्रमोटर कहाँ पे होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रमोटर। प्रमोटर प्रमोटर इज ऑलवेज प्लस एट द अप स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, यानी अदर वर्ड वी कैन से फॉर द प्राइम पोजीशन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड ये वाला है, इसका जो 5 प्राइम पोजीशन है, डायरेक्शन है, क्वालिटी वाला वो ये है, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका क्या कहलाएगा, प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, 3 स्टेप की प्रोसेस है, ये अगले वीडियो में क्लियर होगा। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर साइट, जहां पे खत्म होता है उसको टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर कहाँ पे होगा, इट ऑलवेज प्लस पोजीशन, यहाँ तो बना हुआ है ऐसे, अगर आप रहते तो कैसे डिफाइन करते, इट ऑलवेज सिचुएटेड प्लस एट द डाउन हिल ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड और नियर द 3 प्राइम पोजीशन इन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से 3 यहाँ पे है कार्बन पोजीशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर। तो पहला हो गया प्रमोटर, ये आपका क्या होता है, 5 कार्बन पोजीशन कोडिंग स्ट्रैंड के पास होता है। टर्मिनेटर जो होता है 3 प्राइम पोजीशन कोडिंग स्ट्रैंड के पास होता है, यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर को हम किस कोडिंग स्टैंड की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, यही इसका एक रोल होता है, अदरवाइज ट्रांसक्रिप्शन में इसका कोई विशेष रोल नहीं। उसके बाद तीसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन्स, वो सभी डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द स्ट्रक्चरल जीन्स। इन तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद वाली जो वीडियो है कि इससे इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको जरूर देखिएगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट एज वेल एज इन यू कैरियोट। एक ये हो जाएगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन का पूरा टॉपिक जो होगा वो आपका कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छी लगी कमेंट जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, मुझको सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।